भाई मुकुंदी भैया जैसे सज्जन पुरुष तो पूरे भारत वर्ष में नहीं होंगे, तब भी इंदुमती ने उन पे शक किया, लेकिन मुकुंदी भैया ने भी अपने आप को निर्दोष साबित करके सबका दिल जीत लिया। अरे भाई जीजा जी किसके हैंगे? हाँ मामा बैठो बैठो। सुतीलाल चाय बुलाओ। मामा तुमको कहाँ हो गया हैंगे? हमेशा चहकने वाले, इतर की तरह महकने वाले, आज ऐसे गुमसुम बन के काहे बैठे हैंगे? हाँ मामा, आज पिताजी के किस्से नहीं सुनाओगे का? का बात है मामा, अब बोल भी दो। हाँ मामा, तुम ऐसे चुपचाप अच्छे नहीं लगते हो। अरे अच्छे तो पिताजी नहीं लगते थे भाई, हम बहुत परेशान हैं। मामा तुमको किसने परेशान किया हैंगे? हमको उसका नाम बताओ, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे तुम क्या नहीं छोड़ोगे, उसने तो दुनिया ही छोड़ दी, वो भी कई साल पहले। अरे मामा का कह रहे हो, जरा खुल के तो बताओ। अरे सुतीलाल बात ये है कि हमारी पहली पत्नी जो राम को प्यारी हो गई, वो इतने सालों के बाद आज सुबह हमारे सपने में आई। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सपने में आई? तो क्या तुम्हारे सपने में आती? हमारी पहली पत्नी हमारे सपने में आई जो दुनिया छोड़ चुकी है। अरे मामा इस पे परेशान होने की क्या बात हैंगी? अरे बात है लीजा, इतने सालों में हमारी पत्नी हमारे सपने में नहीं आई, फिर इतने सालों के बाद वो हमारे सपने में क्यों आई? और वो हमसे कुछ कहना चाहती थी, बस वो हमसे कहने ही वाली थी कि हमारी नींद टूट गई। आहा छोटू का कह रहा है बेटा? आहा वो तुम्हारे सपने में आई थी? हाँ दीदी, हमने तुम्हें बताया नहीं कि बेकार में तुम परेशान होगी। आहा इसलिए तो सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गया, यहाँ पहुँच गया। आहा हम सोच रहे थे कि छोटू देखो तुम्हारी बात सुन के हमें ख्याल आया, देखो हम भूल गए, तुम भी भूल गए। क्या दीदी? तुम्हारी पहली पत्नी की बरसी तो कल ही थी। अरे हम अपनी पत्नी की बरसी कैसे भूल गए? छोटू देखो इसीलिए वो तुम्हारे सपने में आई है। तो दीदी हमें क्या करना चाहिए? क्या करेगा बेटा, देखो सपना था, सपना समझ के छोड़ दो है। देखो एक काम करो, अगले साल जो है धूमधाम से उसकी बरसी मना लेना है। जा घर जाके आराम करो है, हम जा रहे हैं वो पापड़ पहुंचाने का वो ग्राम उद्योग है। चिंता नहीं करो एलिजा, ख्याल रखना इसका। हाँ मौसी। मामा हम समझ गए हैंगे कि तुम अपनी पत्नी की बरसी भूल गए हैंगे, इसीलिए वो तुम्हारे सपने में आई थी याद दिलाने। अरे नहीं एलिजा, हम पहले भी अपनी पत्नी की बरसी भूल चुके हैं, पहले तो वो कभी नहीं आई हमारे सपने में, लेकिन इस बार क्यों आई? वैसे सपने में तो पिताजी आते थे, आज सुबह जब वो हमारे सपने में आई तो हमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो हमसे क्या कहना चाहती थी? अरे हमारे मम्मिया ससुर बड़े भाई आज साइलेंट मूड में क्यों है, क्या हो गया? बिजी पांडे, मामा आज बहुत दुखी हैंगे। जो सबको दुखी करता है वो आज खुद दुखी है, पता लगा ले। अरे वे रुक जाओ। अरे मामा, ओ मामा, मामा। अरे मामा, ओ मामा, मामा। अरे मामा तो पिताजी थे, वो भी पूरे मोहल्ले के। अरे कहाँ मामा यार, तुम तो ऐसे निकले जा रहे हो जैसे पहचानते ही नहीं, ना दुआ ना सलाम। अरे सलाम तो लोग पिताजी को किया करते थे मुकुंदी बाबू, हम अपने ख्यालों में इतना खोए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि आप खड़े हैं या पेड़। का मतलब?
तुमको हम में और पेड़ में कोनो कोनो फर्क नहीं दिखता? अरे दिखेगा तब जब हम देखेंगे, हम देखेंगे तब जब हम होश में होंगे, हम होश में होंगे तब जब हम अपने ख्यालों में ना खोए हों, और हम अपने ख्यालों में तब नहीं खोएंगे जब हमें ऐसा सपना ना आया हो, और हमें ऐसा सपना तब नहीं आएगा जब हम सोए ना हो, और हम सोएंगे तब नहीं जब हम ओ मामा मामा गलती हो गई यार जब हमने ये पूछ लिया कि क्या बात है। चलो हटो यार, हमें दफ्तर जाना है। अरे आप जाएंगे तब जब हम आपको जाने देंगे, और हम आपको तब जाने देंगे जब आप हमारी बात सुनेंगे, और हमारी बात तब सुनेंगे जब हम आपको बताएंगे। ठीक है प्रभु, बताओ क्या बात है, लेकिन जल्दी, दफ्तर के लिए देर हो रही है। अरे देर तो पिताजी को होती थी मुकुंदी बाबू, हम इसलिए ख्यालों में खोए हैं और परेशान हैं क्योंकि आज हमारे सपने में हमारी पहली पत्नी आई थी। इसलिए तुम इतना झटके हुए लग रहे हो है? अरे तुम्हारी पत्नी को गुजरे बरसों बीत गए हैं, फिर भी वो सपने में आती तो झटक जाते हो है? अरे जब वो जीवित थी तब तो तुम कांप जाते होंगे उनके सामने। अरे कांपते तो पिताजी थे, कभी ठंड के मारे तो कभी कमजोरी के मारे और कभी अम्मा के डर के मारे। मुकुंदी बाबू हाँ। इतने सालों में हमारी पत्नी कभी हमारे सपने में नहीं आई, लेकिन आज ही हमारे सपने में क्यों आई? अरे मुकुंदी बाबू कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी आत्मा को शांति ना मिली हो? वैसे शांति तो पिताजी को मिला करती थी, कभी नदी के किनारे तो कभी मंदिर के पिछवाड़े। मुकुंदी बाबू हाँ। सपने में हमारी पत्नी हमसे कुछ कहना चाहती थी, बस वो हमसे कहने ही वाली थी कि हमारी आंख खुल गई। तब से हम यही सोच सोच के परेशान हैं कि हमारी पत्नी हमसे सपने में कहना क्या चाहती थी। अरे मामा ये जो सपने वपने है ना ये सब झूठे होते हैं, इसलिए सपने में नहीं सच में यकीन करना चाहिए, और सपने की बात आंख खुलते ही भूल जाना चाहिए, और खासकर वो सपने जिसमें पत्नी आई हूँ वो तो कतई भूल जाना चाहिए। अच्छा मामा अब हम चलते हैं, वरना हमारी पत्नी जो सपने में नहीं हकीकत में है वो बाहर आ जाएगी। चलो चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? अबे डीपली घुस के बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भैया, मान ही नहीं सकते। दो घंटा आप देंगे अपने आप मान जाओगे। लेकिन भैया मामा उदास कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मामा को उदास कर दे। लेकिन भैया अगर ऐसा है ना तो ये बहुत ही खुशी की बात है, यही वो मौका है जब आप चौका मार सकते हैं। कहने क्या मतलब तुम्हारा? भैया हम कहना ये चाहते हैं कि आप मामा के पास जाइए और हमदर्दी का मरहम लगाइए, क्योंकि इंसान जब दुखी होता है ना तो जो भी उसके कंधे पर हाथ रखता है वो उसका सबसे खास बन जाता है, और अगर मामा आपका खास बन गया और आप मामा के खास बन गए तो सुरेली भाभी से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता भैया। अबे गुड्डू ये की ना तुमने डार्कनेस में ब्राइटनेस वाली बातें, अब हम जाएंगे और मामा कंधे पर हाथ रखेंगे। क्या बात है? अबे मामा चाहिए भैया चाहिए। मामा अरे ससुर मामी ससुर कहाँ जा रहे हैं आप, कैसे हैं भाई? अरे दामाद जी आप? जी हम, लेकिन हम ये क्या सुन रहे हैं? अरे सुना तो हमारी बीवी नंबर वन करती थी, कभी आशा के गाने तो कभी लता के गाने, बस आज हम वैसे ही बाहर घूमने निकले हैं क्योंकि दामाद जी हमारा मन थोड़ा भारी भारी सा हो रहा है। मन भारी? ये कौन सी लग गई आपको बीमारी? अरे बीमारी तो पिताजी को लगती थी और वो भी ना जाने कौन कौन सी। ओह माय गॉड, देखिए मामा प्लीज हमको बताइए कि आप इतने दुखी क्यों हैं, वो भी डीपली घुस के। दामाद जी हमें किसी की याद आ रही है डीपली घुस के, इसलिए हम दुखी हैं डीपली घुस के। हमारा बात करने का मन नहीं हो रहा इसलिए आप हमें अकेला छोड़ दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पापा के साथ? मामा देखिए कर दी ना आपने ब्राइटनेस में डार्कनेस वाली बातें। अरे भाई हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, आप दुखी हैं और हम आपको दुखी नहीं देख सकते, आखिरकार वी आर फैमिली मेंबर्स। सच? हाँ आप हमसे इतना प्यार करते हैं। और नहीं तो क्या, रिश्ते में आप हमारे मम्मी या ससुर लगते हैं। और ना मैं शहंशाह नहीं मतलब छोटू। पापा कसम एक बार बताइए कि आपको उदास किसने किया है? डीपली घुस के उसको फोड़ देंगे, चाइना की दीवार तोड़ देंगे, भाखड़ा नंगल डैम फोड़ देंगे, सारी दुनिया को आग लगा देंगे। दामाद जी आप हमारे लिए इतना कुछ करेंगे? अरे ये तो कम है पापा कसम, आपका जो गम है इसको दूर करने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ा ना वो हम करेंगे, लेकिन आपको उदास नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अच्छा हाँ दामाद जी पूरे लापतागंज में आप भी एक ऐसे इंसान है जो हमारे पिताजी के समान महान है। आपने जो आज जज्बा दिखाया है
उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे और जब भी हम कभी मुसीबत में होंगे तो आपको अपने साथ खड़ा पाएंगे और आपके साथ मिलके ये गीत गाएंगे कि साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। वैसे हम मिलके गाने तो अपनी बीवी नंबर वन के साथ गाते थे, लेकिन आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि अब हम आपके साथ मिलके गाएंगे और अब हम घूमने नहीं जाएंगे, सीधे घर जाएंगे। और अब वैसे भी हमें भूख लगी है, अब हम चलते हैं। ख्याल रखिएगा डीपली घुस के। कहिए भैया कैसी रही? ऐसी रही कि मामा के हम अब खास से हो गए हैं। तो भैया अब आपको भाभी से मिलने का चांस भी मिल जाएगा। तो फिर चलो, चलिए साइकिल निकाल जल्दी। अबे सुत्तीलाल जल्दी से आधा किलो जलेबी निकालो डीपली घुस के। किसके लिए, खुद खाओगे या गुड्डू को खिलाओगे? अबे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सुत्तीलाल का कहने का ये मतलब है अंगे बीजी पांडे कि ये जलेबी सुरीली को तुम नहीं खिला पाओगे। तो कौन खाएगा ये जलेबी? तुम या गुड्डू, मामा या मौसी? भैया ये लोग तो आपका मजाक उड़ा रहे। अबे इधर सुनो, क्या समझ लिया हमको, है टिकपुंजिया टाइप का आदमी समझ लिया क्या? ऐसा है गुरु, सुरीली जलेबी हम खिलाएंगे, बड़े प्यार से खिलाएंगे, अपने हाथों से खिलाएंगे और सुरीली भी डीपली घुस के बड़े प्यार से जलेबी खाएगी, क्योंकि जो हमारी सासू माँ है वो ग्राम उद्योग गई है पापड़ बेचने। लेकिन मामा के होते ये नहीं होगा बीजी पांडे। अबे मामा के होते ही होगा, मामा ही हमको भेजेंगे कि जाओ सुरीली को अपने हाथों से जलेबी खिलाओ। सपना देख रहे हैं बीजी पांडे? अरे सपना नहीं हकीकत, भैया ने वो दाव फेंका है कि मामा हो गया है चारों खाने चित। अब मामा भैया की किसी भी बात को मना नहीं करेगा। अच्छा, ऐसी क्या गुट्टी पिला दी है तुमने मामा को बीजी पांडे? ऐसा है, हाई लेवल बात है, तुम जैसे लोग समझ में नहीं आएगी। सुत्तीलाल तुम जल्दी से आओ, आधा किलो जलेबी निकालो, टाइम हो रहा है बे, सुरीली भूखी है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? जल्दी निकालो, जल्दी दो बे। ये लो आधा किलो जलेबी। अबे आधा किलो जलेबी में हमेशा चार जलेबी कम कर देते हो तुम, चार जलेबी और डालो, हैं? जल्दी डालो, लाओ 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 जल्दी। हाँ चलो, पैसा निकालो पैसा निकालो। अबे सुत्तीलाल यार तुमने तो वही हलवाई वाली बातें कर दी, दे देंगे पैसे जल्दी, दे देंगे बे, टेंशन क्यों ले रहे हो, जा रहे हैं आओ। अरे होने वाले साड़ू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ ऐसे उधार देते रहेंगे तो एक दिन आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। आप पैसे वसूल कीजिए, हम आपके साथ हैंगे। जब चला गया तब बोल रहे हो? अरे ओहो मामा, ये क्या फिर से आप उदास बैठे हुए? अरे भाई हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आपका उदास चेहरा हम देख नहीं सकते हैं। हाँ मामा, भैया आपकी चिंता में शरबत में शक्कर की तरह घुले जा रहे हैं। मामा प्लीज देखिए, आपको आपकी कसम एक बार मुस्कुरा दीजिए, प्लीज मामा देखिए एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। अरे मुस्कुराती तो हमारी बीवी नंबर वन थी। एक मिनट, आप ही कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी नंबर वन की आपको याद सता रही है? देखिए बीवियां होती ही ऐसी हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते। हाँ भैया अब हमको देखिए ना, हम दुनिया जी के बगैर बिना तेल का दीपक बन के रह गए थे। और हमको देखिए पापा कसम, जब तक हम अपने हाथों से सुरीली को जलेबी ना खिला दे हमको चैन नहीं पड़ेगा, और इस बात को आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझेगा? भैया एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और अपने हाथों से भाभी को जलेबी खिला कर आइए, तब तक हम मामा के पास बैठते हैं। ओके। अरे जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अभी तो आपसे कहा कि जलेबी खिलाने जा रहे हैं सुरीली को। नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। अरे लेकिन एक बार ना, एक ना आधा ना पोना, अभी तक नहीं हुआ आपका गोना, और जब तक आपका गोना नहीं हो जाए तब तक आप सुरीली को जलेबी तो क्या हवा भी नहीं खिला सकते। लेकिन आपने तो हमसे कहा था कि आप हमारा साथ देंगे। एक बात बताओ, हम गधे हैं क्या? हम उल्लू हैं क्या? हम पागल हैं? तुम्हें क्या लगा तो हमारी उदासी की हवेली पे मर्रम की सीढ़ियां लगा के सुरीली के कमरे तक पहुंच जाओगे? अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें बीजी पांडे कि तुमने एक उदास परेशान इंसान की भावनाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें बीजी पांडे, शर्म आनी चाहिए। ए
एक दामाद होके तुमने अपने मम्मी ससुर को चला है, जिस बात का हमें अभी पता चला है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म, इससे पहले कि फूटे तुम्हारे कर्म, हम छोड़ दें अपना ससुर धर्म और हमारा दिमाग हो जाए गरम, आप यहाँ से चले जाएंगे। अबे गुड्डू, पापा कसम आज पहली बार हम इंसल्टेड फील कर रहे हैं बे। कोई बात नहीं भैया, ये सब लाइफ ऑफ पार्ट है, आइए चलो। बीवी नंबर वन, बीवी नंबर वन। अबे इधर सुनो, तुम्हारे जो फूले हुए गाल है ना, कंटाप देख पिचका देंगे, समझे? भैया हमारा क्या कसूर है? कसूर क्या है पापा कसम, एक तो तुम्हारे दिमाग में घटिया आइडियाज आते क्यों, और अगर आते तो हमको क्यों बताते हो बे? भैया हमने तो अच्छे के लिए बोला था ना। अच्छे के लिए बताया था, अच्छे कुमार कहेंगे, तुम्हारे अच्छे के चक्कर में हमारी अच्छी खासी इंसल्ट हो गई गुड्डू हमारे ससुराल में, और वो भी हमारे मम्मिया ससुर के हाथों। भैया आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी पहली बार इंसल्ट हुई हो। भैया आप तो इंसल्ट करवा करवा के बड़े हुए हैं, ये क्या है? अबे तुम भी थप्पड़ खा खा के हमारे हाथों से बड़े हुए हो। पापा कसम आज के बाद अगर घटिया आइडिया हमको दिए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे समझने की कोशिश करो यार गुड्डू, एक तो हमारा गौना नहीं हो रहा है, पता नहीं कब हमारा गौना होगा, और कब हम सुरीली को अपने ये हाथों से मीठी मीठी जलेबी खिलाएंगे। चलो आओ चलते। तुम वाह, हमें भूल गए। अरे अब भूलते तो पिताजी थे। खबरदार, जो हमारे ससुर जी के बारे में कुछ भी कहा तो। क्या हमारे पिताजी तुम्हारे भी ससुर थे? वो तो हमारी पत्नी के ससुर थे। हम तुम्हारी पत्नी है। क्या राम प्यारी तुम? हाँ, तुम्हारी बीवी नंबर वन, जिसकी आत्मा भटक रही है इस दुनिया के मेले में, तुम इतने खो गए कि तुम्हें हमारी बरसी भी याद नहीं रही, इसीलिए हम तुम्हें इस दुनिया से अब ले जाएंगे। कल रात फिर आएंगे और तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.